कुछ बातें यूं समझिए कि फेंकने के लिए आया हूं। ये तकरीर सुनने का वक्त भी नहीं है, ना तकरीर करने का वक्त है, तकरीर खाने का वक्त है। तो चूंकि आया बहुत दूर से हूं, हाँ वो तो मैं देख रहा हूं, रोज रात का यही काम हमारा है। बड़े अदब से जलसा करवाने वालों से ये अपील और गुजारिश है, जलसों का वक्त बहुत कम किया कीजिए। 12 बजे जलसे ख़त्म कर लिया कीजिए, अगर कुछ भलाई चाहते हैं तो। मौलाना रात भर रेत रेत करके ज़िबा करके कौम को आप ना कुछ जगा सकते हैं ना कुछ समझा सकते हैं। साफ सीधी बात, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, रुलाएं तो बगावत है, हंसाएं तो बगावत है। अभी बच्चे क्या जाने मैं क्या कह रहा हूं, इनको कुछ पता है? गुज़िश्ता 25 से 30 साल का जो अरसा हमारा गुजरा है वो इसी तरह गुजरा है, और नतीजा ये हुआ इस बेमौसम की बरसात में जो काम के लोग थे हमारे जलसों से भाग गए। जी, जो पढ़ा लिखा तबका था, लॉयर थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, ये लोग हमारे जलसों में नहीं आते। उन्हें पता ये रात भर रा गा 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 पा पा नारे तभी जिंदाबाद, वहां से बोलो सुभान अल्लाह, वहां से मारो माशाल्लाह, यही करेंगे रात भर ये। इसलिए पढ़ा लिखा तबका हमारे जलसों में नहीं आता। अल्लाह के वास्ते हम अपनी बिरादरी से गुजारिश करेंगे जो मेंबर पे बैठी हुई है, अगर बचाना चाहते हो ये जो बचा खुचा सामान है इसे बचा लीजिए। समझ रहे? अरबी का एक सेंटेंस है, कल्लिमुन्नासा बिकद्री उकूलिहिम, लोगों से बात उनकी अकलों के मुताबिक की जाए। देसी कौवा मराठी बोल, मसल मशहूर है ना, अगर एकदम गाड़ी गाड़ी उर्दू में अभी इस्तेमाल करना शुरू की एक मुतरजिम की जरूरत पेश आए कि इस उर्दू का क्या मतलब होता है, तो वो सब बाउंसर चली जाए। अरे वो उनका कसूर नहीं है, अपना ही कसूर है। वो क्या करेंगे बेचारे, बैठा रहने दीजिए, अब एक घंटा मुझे भी झेल लीजिए आप जैसे सबको झेला है। बस ये हमारे यूट्यूब वाले सब जिंदा हैं माशाल्लाह, ये इस ताक में है कि किस पॉइंट को लेकर के हंगामा करना है ये इस ताक में रहते हैं। तो इनसे गुजारिश है, धंधा करना अच्छी बात कीजिए, अल्लाह आपके धंधे में बरकत करे, मगर इस धंधे का ये मतलब भी नहीं किसी को फांसी के फंदे में लटका दो। अभी बेचारे लटके हुए नहीं उधर, देख जमानत नहीं हो रही है। तो इसलिए बड़े अदब से अर्ज है, इसके जरिए से आप दीन की खिदमत कर रहे हैं, अच्छी बात है। तकरीर का हाफिज नहीं हूं मैं, मरना आंखें बंद करके सुना देता है घंटे की, लेकिन अब चूंकि आपका खाना भी खाया है, दूर से आए भी हैं, तो कुछ तो बहरहाल रोटी हलाल करनी पड़ेगी। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, जगा जगा के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशात लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो, सफीना आज भी साहिल पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बाद बां बदल डालो,
अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। आज की तारीख में दुनिया के नक्शे पे अगर कोई सबसे ज्यादा बेवकूफ, मंदबुद्धि, कम सोच विचार की कोई कौम है, उस कौम को मुसलमान कहते हैं। माफ कीजिएगा, जुमले बड़े सख्त हैं मेरे, वैसे भी मैं ऐसा ही कोई डॉक्टर हूं जो दवा कड़वी ही देता हूं। तो किसी भी शुगर के पेशेंट को थम्सअप नहीं पिलाना आता मुझे डॉक्टर साहब जी, और किसी भी हार्ट के पेशेंट को चर्बी की बूटी नहीं खिलाना आता है। ये भी गुजारिश है इब्तदाए सुखन में अपने उलमा से, कौम को पीरों की तारीफ करते 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 इतना मत पगला दो कि अल्लाह का दरबारी भूल जाए। पूरी तकरीर ले पीर दे पीर, ले पीर दे पीर, खुदा भी किसी जात का नाम है। जानते हो खुदा को, जिसने पीर को भी पैदा किया, पीर के बाप दादा को पैदा किया, जिसने हमें भी पैदा किया, हमारे बाप दादा को पैदा किया। काश इस कौम को दीन सिखाया जाता तो हमारा सुन्नी जाहिल नहीं रहता। हमने पीर सिखाया है, फलाने पीर ढकाने पीर, वो जन्नत में लेके जाएंगे, वो किसी भी पीर के बाप की जन्नत नहीं है। जन्नत अल्लाह पाक की है, उस पाक रब ने जन्नत को मुस्तफा करीम के दस्ते अकदस में दिया है तकसीम करने के लिए। हाँ, इसलिए वो भी शख्स इंशाअल्लाह हम भी जन्नत में जाएंगे जो कमबख्त जुम्मा नहीं पढ़ता। हाँ, जुम्मा ही नहीं पढ़ता, वो भी सीना ठोक के तो हम भी जन्नत में जाएंगे। क्या कॉन्फिडेंस आपको है? नाम है आमाल में सब गोल गोल है, हम ही जन्नत में जाएंगे। वो काउंटर बता दीजिए जहां पर ये टिकट मिलता है जन्नत वाला, हम भी चले जाएं, लिया है टिकट उधर से यार। अल्लाह इरशाद फरमाता, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है? वो अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुम ये सोचते हो कि तुमको पलट कर तुम्हारे रब की तरफ नहीं जाना है? पैदा करने वाले का हक होता है, हिसाब उसे लेना है। इसलिए वो बहराइच के तराई इलाका में बसने वालों, मुर्गा मछली तीतर बटेर खा खा करके अपनी टंकी ओवरलोड कर करके मौज से सोने वालों, इतना धुने जाओगे शक्लें बिगड़ जाएंगी तुम्हारी। इस चक्कर में मत रहना कि मौलाना लोगों ने बहुत जन्नत बांटी है और पीर साहब भी जन्नत बांट के चले गए हैं। ना इन मौलाना को पता है कि ये जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ना इस मौलाना को पता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। हम काय की डिग्री नहीं यार लोगों को, यानी हम मंद बुद्धि के आदमी बन गए यार। अल्लाह फरमाता, अलैसल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा रब काफी नहीं है? मेरा रब कोई अपाहिज है? माज़ल्ला, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब ऐसा सुपर पावर है, ऐसी ताकत वाला है, दुनिया के सारे बड़े बड़े ताकतवर जिसके सामने धराशाही बने पड़े हुए हैं, उस अहकमिल हाकमीन को नहीं जानते हो तुम? रब ने खुद फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलकक फसव्वाक फअदलक
फी सूरति माशा अरकबक। ए चुन्नु मुन्नु चुप रहे यार, बड़ा हंस रिया तू। ए इंसान, तुझे किस चीज ने अपने रब की तरफ से धोखे में डाल रखा है? किस चीज ने? उस रब की तरफ से जिसने तुझे पैदा किया तो ठीक ठीक बनाया, और जिस शक्ल में चाहा तेरी तरकीब उस शक्ल में फरमाई। इंसान कुदरत का वो अनमोल शहकार है कि इंसान से ज्यादा खूबसूरत कोई भी कौम रब ने नहीं पैदा की। जिन्नात, परी, हूर, गिलमान, सबसे ज्यादा खूबसूरत हमें और आपको हमारे रब ने बनाया है। लकत खलकनल इंसान अफी अहसन तकवीन। अल्लाह कहता हमने इंसानों तुम्हें सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। यकीन नहीं आता है तो एक शीशा रखिए अपने सामने, अपने रुखे जेबा की जियारत फरमाएं और कुत्ते को देखें, कंपेयर कीजिए कौन अच्छा है। अपने को देखिए, खंजीर को देखिए, देखिए कौन अच्छा है। अपने को देखिए, मेंढक, बिल्ली, छुछूंदर, कॉकरोच, सांप, हाथी, घोड़ा, बैल, भैंस, देखिए कौन अच्छा है। अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत पैदा किया है, मजीद उसका करम ये। वलकद करमना बनी आदम, ओ आदम की औलादो हमें तुझे बुजुर्गी का ताज भी दिया है। बुजुर्गी का ताज, उस रब का एहसान भूल गए? एक खूबसूरत चेहरा माशाल्लाह, आंखें सुभान अल्लाह, पेशानी माशाल्लाह, जिगर गुर्दा कलेजी अतरी पचौनी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठीक बनाया अल्लाह ने सब। कुछ पैसा लिया उसने? अगर आप डॉक्टर साहब के पास चले जाएं इलाज करवाने, एक टेबलेट भी फ्री नहीं देंगे। देंगे डॉक्टर साहब? एक टेबलेट फ्री नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है, कोई पैसा लिया रब ने तो उसका कुछ तो हक बनता है। अच्छा, जब तक आदमी गरीब रहता है तब तक तो ठीक है, चले भाई। जब मालदार होता, गाड़ी वाड़ी लेके आ जाता है ना, तो गाड़ी पे ये नहीं लिखता है हाजा मिन फज़्ल रब्बी, लिखता है ये नजर मेरे पीर की है, ये नजर दौलत दिया रब ने, ये नजर मेरे पीर की है। वाह भाई, कमाल की थिंकिंग तुम्हारी है। जिंदगी रब देता है, सेहत अल्लाह देता है, बीमारी अल्लाह देता है, दौलत अल्लाह देता है, हयातो ममात अल्लाह के कब्जे कुदरत में, सेहत और बीमारी अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, औलाद अल्लाह देता है, सब रब देता है। और जब मिल जाए ये नजर मेरे पीर की, अपने भेजे में जो दिमाग है ना, नशे जिसमें थोड़ी रोशनी है, इसको थोड़ा और ढंग से तेज कर लो ताकि पता चले अल्लाह का हक है। रब ने कहा वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी ही, लोगों ने अल्लाह का मकाम नहीं पहचाना जैसा कि उसका मकाम पहचानना चाहिए। वो बादशाहों का बादशाह है, हाकिमों का हाकिम है। लिल्लाही माफिस समावाती व माफिल अर्द, जमीन व आसमान में जो कुछ भी है सब रब का है। लिल्लाही मुल्क समावाती व अर्द, जमीन व आसमानों का बादशाह सिर्फ रब है। 3 और 5 साल के लिए प्रधानमंत्री पगला जाता है, उसकी तोंद इतनी फूल जाती है बेटे की है। और जो अल्लाह करीम सारे कायनात का मालिक है, खालिक है, उसका कोई हक ही नहीं पूछता। अल्लाह क्या कह रहा है? तुमने नहीं पहचाना अपने रब का हक जैसा कि तुम्हें पहचानना चाहिए था। अगर पहचानते, ओ सुन्नियों नमाज तुम पर फर्ज है, तुम पर, और तुम जुम्मा जुम्मा टिकाते हो। अगर मैं भी हाथ उठवा लूं कितने लोग नमाज 5 वक्त की पढ़ते हैं,
तो इनमें से मैं समझता हूं 90% बल्कि 95% ऐसे सर झुका के बैठ जाएंगे। ओ लोगो, अल्लाह की रोजी हलक शरीफ के ऊपर तक ठूस ठूस के खाने वालों, सुबह भी 3-4 रोटी चेपने वालों, दोपहर में खूब तंदूर खा करके तो टंकी पे हाथ फिर के घूमने वालों, शाम को भी चर्रा के खाने वाला, फिर घूम करके चक्कर लगाने, हाजमा खराब नहीं होगा तुम्हारा? अल्लाह चाहे ना जो तुमने खाया है, अगर ये पचे नहीं ना, दुनिया का कोई टेबलेट तुम्हारे इस तोंद में गए हुए सामान को पचा नहीं सकता है। अपने रब का शुक्रिया अदा कर बंदे, अल्लाह का एहसान नहीं मानता। हमने पीरों का एहसान इतना बता दिया है, हर कोई पीर 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 पीर, जलसा नबी के नाम का, और रहते जा रहे हैं पीर साहब पीर साहब पीर साहब। भाई साहब, जलसा नबी का हो तो नबी की बात होनी चाहिए। हमारे यहां इल्ला माशाल्लाह तौहीद पर कोई खिताब नहीं मिलता है कि अल्लाह भी कोई है। ये वो इंसान है, रब फरमाता हल अता अलल इंसान हीनु मिन अद्दहर लम यकुन शयअ मज़कुरा। इंसान पर एक जमाना ऐसा गुजरा है जब वो कोई काबले कदर चीज नहीं था, और नापाक कतरे से पैदा होने वाला इंसान इतना कैसे पगला गया है? रब ने किससे पैदा किया मैं और आपको? एक नापाक कतरा है, मगर ये कतरा नापाक से वजूद पजीर होने वाला इंसान जब इंसानियत के दायरे में रह करके कुदरत का शहकार बन करके रब की फरमा बरदारी करता जिंदगी गुजारता है तो रश के मलाइका बन जाता है, और जब खुदा का हुक्म भूल जाता है तो दुनिया का जलील तरीन इंसान बन जाता है। शायद आज की तारीख में तमगा हम मुसलमानों के पास में, दुनिया हमें घास डालने को तैयार नहीं है, दुनिया हमारी आहो पुकार सुनने को तैयार नहीं, दुनिया हमारे जख्मी वजूद पर मरहम रखने को तैयार नहीं, इसलिए